यहाँ से शुरू करें। वो ड्रामे च भी है ते किसे टाइम में तिन्ना हीरो दी जगह भी सारी हसीना नाज हर रोल में हसीना नाज सबके सारे सेंटर च बैठे पड़े जैसे कि आप सब दोस्तों के दिल में इससे पहले एक ड्रामा लिखा गया है और उसके बाद उसकी रिहर्सल की गई, उसकी बड़ी मेहनत की गई और छोटे से बड़े तमाम फनकार जो उस टीम में शामिल थे उन्होंने बड़ी मेहनत की और अल्लाह ताला ने उस ड्रामे के शाह को पूरे पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इज्जत दी। जिले शाह के बाद बड़ा प्रेशर था कि यार एक सात आठ किस्तों की वेब सीरियल एक नेटफ्लिक्स पे आई है हीरा मंडी और जिसके रीजेंट राइटर डायरेक्टर हैं संजय लीला बंसाली जिनका तल्लक इंडिया से है। उनकी हम दिल दे चुके सनम फिल्म और देवदास और इस से मैं बड़ा जिस तरह की वो पिक्चराइज करते हैं और जिस तरह वो सेट लगाते हैं और जिस तरह वो सारी चीज़ें लेके चलते हैं तो मैं बड़ा मुतासर हूँ। और पाकिस्तान में वो जो डायलॉग लिखने वालों में खलील रहमान कमर साहब जो हैं मैं उस वक्त उनसे मुतासर हुआ था जब रीमा की फिल्म एज ए प्रोड्यूसर एज ए आर्टिस्ट मेरे पास मेट्रोपोल सिनेमा में लगी थी कोई गुस्सा था तो उसमें खलील रहमान कमर साहब ने एक फिकरा लिखा था कि कोई मोहब्बत से बर्बाद हो ना हो ये साला प्यार आदमी को बर्बाद कर देता है तो ये नदीम साहब ने बोला था तो मैंने उस वक्त मेरे लिए वो एक चेंज थी तो मैंने खलील रहमान कमर साहब को फ़ोन किया वो फिल्म भी देखने आए मैंने रीमा को भी तो जितने भी स्टूडियो से आते थे तो मैंने उनको कहा कि क्या फिकरा लिखा है खलील रहमान कमर साहब ने और वक्त ने सामने किया उसके बाद दूर दूर तक को खलील रहमान कमर साहब के नज़दीक भी नहीं नज़र आया। अब मुझ पर प्रेशर था कि ये जो हीरा मंडी आई है नेटफ्लिक्स पे इतना एपिसोड सात आठ किस्तों का इसमें सारा कुछ ही मुसलमानों पे डाल दिया गया कि आतंकवादी भी मुसलमान है जिसम फरोश भी मुसलमान है और दुनिया की हर बुराई जो है वो मुसलमानों में दिखा दी गई जबकि मैं समझता हूँ कि अगर उस वक्त 1845 में या 40 में या 35 में लाहौर में हीरा मंडी थी तो उस वक्त दिल्ली में बम्बे में लखनऊ में आगरा में बनारस में इससे भी बड़ी हीरा मंडियाँ थी क्योंकि इंडिया जो है वो कतार के लिहाज से बाकी के लिहाज से सबसे बड़ा उस वक्त पाकिस्तान इंडिया सारा इकट्ठा था। फिर ये दिखाया गया कि जी ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी की जो बात की गई वो जो है वो तो सारा मुसलमानों को बड़ी तकलीफ थी तो मुझ तक लोग पहुँचे और उन्होंने कहा कि यार ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये पाकिस्तान की इज्जत का मामला है जो सच है ना उस वक्त की लाहौर की हीरा मंडी में
जो तवाफ़े करती थी या आज़ादी के जो मुजाहद थे वो आतंकवादी नहीं थे, उन्होंने जो जंग लड़ी यार उस पर कुछ करो। हंगामी बुनियादों पे मैंने मलक अदर साहब ने, काशिफ बराल ने, इयाज शेख ने 20-25 दिन लगा के तो हमने ये स्क्रिप्ट लिखा, और लिखने के बाद जो है उसको सारा सिंक किया, लिंक किया, और जो साढ़े पाकिस्तानी 650 करोड़ रुपया बनता है, जो ज़्यादा हो सकता है कम नहीं, जो उसकी लागत है इंडियन हीरा मंडी की जो नेटफ्लिक्स पे, अब हमारे पास तो ना इतना सरमाया, हमें तो आप देखेंगे कि जून में अनाउंस होगा 50 अरब, 1 अरब थिएटर के लिए, सिनेमा के लिए, फिल्म के लिए, फलां 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 फलां, तो उसके बाद फिर अगले जून में ये बात सुनाई देती है। तो हकीकत ये है कि डिपार्टमेंट तो है, पंजाब आर्ट काउंसिल है, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट में भी है, अलहमरा कल्चर कम्प्लेक्स भी है, फलां फलां जो भी है, तो कोई बंदा भी अगर वो पाकिस्तान की इज्जत के लिए और वो जो गंद उछाला गया उसको पॉजिटिव पाकिस्तानियों का चेहरा दिखाने के लिए, मुसलमानों का, तवायफों का, उस वक्त के आज़ादी के मुजाहदों का, तो यहाँ पे तो कोई शाबाश देने वाला भी नहीं है। चले कोई बात नहीं, कुछ मामला ऐसे होते हैं कि अगर उनका दुनिया में पॉजिटिव नेगेटिव को रिजल्ट नहीं आता तो वो उसमें अल्लाह ताला की कोई हिकमत होती है, लेकिन ये गिला है कि ये काम था पीजी आईएसपीआर उनका, उसका तोड़ करके कि क्यों आज़ादी के मुजाहदों को उन्होंने आतंकवादी दिखाया। आईएसपीआर ने अगर कुछ नहीं किया चले कोई बात नहीं, उनके हज़ारों महादों पे और मसाइल नहीं, उनकी नज़र में हीरा मंडी गुजरी। अब कल्चर डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ बेशुमार, और जिन लोगों को साल में दो दो तीन तीन दफ़ा करोड़ों रुपया नवाजा जाता है, लाखों रुपया एक एक शो के विद और मिल मिला के जो भी है, अल्लाह जानता है कौन बशर है। मैंने वो दोस्त अहबाब के कहने पे ये जंग शुरू की है, अब 3 दिन हमने उसकी रीडिंग की है, आज से हम रिहर्सल पे हैं, 10 दिन चले, 12 दिन चले, जितनी भी चली, डबर भी करनी पड़ी तो इंशाल्लाह ताला करेंगे। ये पाकिस्तान की इज्जत का और उस वक्त के जो मुजाहद थे उनकी इज्जत का और इस मुल्क में बसने वाले हर शहरी, हर पाकिस्तान का राइट बनता है कि वो सच का साथ दे, अच्छाई का साथ दे। शायद आज की वसासत से कोई डिपार्टमेंट, कोई पंजाब गवर्नमेंट, कोई के पी की, कोई गिलगित बल्तिस्तान, कोई सिंध, कोई इस्लामाबाद, फलां 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 जाग जाए और उनको एहसास हो कि अगर कोई बंदा, बंदी, फनकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इस मुल्क की इज्जत के लिए काम करना चाहता है और उसमें जुड़ा हर वो बंदा जो उसमें अपना हिस्सा डालता है, जैसे कोई मस्जिद बनती है तो कोई सीमेंट ले आता है, कोई रेत ले आता है, कोई बजरी ले आता है, कोई दरवाजे लगवा देता है, कोई यूपीएस लगवा देता है, कोई पानी का कूलर लगवा देता है, तो ये जो सब्जेक्ट है हीरा मंडी जो तमासील थिएटर में ईद उल अज़हा से पेश किया जाएगा, इस पर बड़ी मेहनत होनी है। आप देख लें 46, 45, 46, 40 गर्मी है और फनकारों ने डे नाइट इसकी रिहर्सल करनी है और 650 करोड़ का मुकाबला करना है हमने 1,25,00,000 से। वो 7 से 8 घंटे की वेब सीरियल है और हमारी मजबूरी है कि हमारे टांगे खींचने वाले बड़े हैं, 5 मिनट भी उधर चला गया ड्रामा तो उन्होंने कहना इन्हों फांसी ला दो, भावें असी मुल्क की जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास है टोटल 2 घंटे, हमने 2 घंटे में 8 घंटे की और 1,25,00,000 से 650 करोड़, 750 करोड़ की जंग लड़नी है और इंशाल्लाह ताला मौला अली मुश्किल को साथ दे सकते, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल औलाद के सदके
ये जो कीचड़ उछाला गया है ना आज़ादी के मुजाहदों पे और मुसलमान तवाइफों पे, इसका जवाब मैं उस्ताद मोहतरम संजय लीला बंसाली साहब को ईद उल अज़हा से दे रहा हूँ। और इसमें तमाम लोग शामिल हैं जो दिन रात रिहर्सल करेंगे, मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के सदक़े, कुरान पाक के सदक़े ये एक शाहकार होगा। लोग ज़िले शाह को, मजाजन मेरी को, चूड़ियाँ को, हीरा पन्ना सोना चांदी मेरी दीवानगी पाटे खां, मैंने कभी दावा नहीं किया। और मेरा नाम जोकर और ज़िले शाह को भूल जाएंगे और हीरा मंडी ड्रामे को इसलिए याद रखेंगे कि दुनिया में आज तक जब भी हीरा मंडी का सब्जेक्ट आया तो उसमें कंजर कंजरी तल्ला फलां फलां लफ्ज़ आए। मेरे हीरा मंडी 2 घंटे के ड्रामे में कंजर का लफ्ज़ भी नहीं है, ठीक है जी। और ये हीरा मंडी ड्रामा पूरी पंजाब गवर्नमेंट को, पूरी वफाकी गवर्नमेंट को, हर वो पाकिस्तानी जो ओवरसीज है जो भी है, अगर कोई इसको प्रमोट कर सकता है मेरे फनकारों को, उसकी रिहर्सल को, इसकी पब्लिसिटी को, वो इस कारे खैर में अपना हिस्सा डाले। मैं इंशाल्लाह ताला इन सारे लोगों के साथ मिलके, गोशी खान साहब नहीं है, महक मलक साहबा नहीं है, वो भी कल परसों से ज्वाइन कर लेंगी, और भी 1-2 लड़कियाँ हैं वो भी कल से ज्वाइन कर लेंगी। तो चूँकि ज़िले शाह का क्रेडिट था महक मलक पे, उनके साथ मामला मेरे जारी हैं। मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि महक मलक जो है वो हमें कल परसों से ज्वाइन कर लेंगी, और हीरा मंडी में वो भी हैं, होमाली भी है, सोनू भट्ट भी है, और ये सारे मेल फनकार हैं। सबका अपना अपना हिस्सा है, कोई स्विच की जगह है, कोई ट्यूबलाइट की जगह है, कोई पंखे की जगह है, कोई कूलर की जगह है। ये एक जज्बे के तहत मेरा ये ड्रामा अपनी वालदा के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बीवी के साथ आप बेधड़क होकर ये ड्रामा देखिएगा। पूरी वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई मशीनरी सबको दावत है कि खुदा दा वास्ता जी थिएटर लाइन गंदिया ना करो। जे गंदा करना जे तो जड़ा कोई बंदा चंगा काम करता ना उसकी सपोर्ट जरूर करो। अच्छाई का साथ दो ता ही बुराई जी है ना वो खत्म होए। और अज की जी साड़ी रिहर्सल की ओपनिंग है, ये मेरा भरा हमेशा की तरह कैसर पी आ मेहमान खसूसी है, कई जगह मेरे बड़े भाई मेहमान खसूसी ने, और तमाम जोड़े सरकार इस ड्रामे से काम कर रहे हैं। मेरा ईमान है कि तेरे अंधेर ने और कुछ ना कुछ इस ड्रामे तो बाद थिएटर इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, गवर्नमेंट लैवल से मेरा ईमान है कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगी। और किस तरह आएगी, यह जड़े मोबाइल काम कर रहे हैं, यह जी कलम है ना, ये जी मैं मस्जिद बना जा रहा कि जिद एक वलगर लफज भी नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत की गल है और मुसलमाना की इज्जत की गल है। इंशाल्लाह ताला आज जो मैं मिशन लैके टूरिया ता भी हिस्सा पेगा, हर उस बंदे का हिस्सा पेगा कि जड़ा चाह रहा है कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं, मुसलमान दहशतगर्दी का शिकार ने, सानू लुटिया गया, सानू मारिया गया, साडिया औरतों की इसमत दरी की गई, साढ़े न जुलम किया गया, जबरदस्ती मुसलमान औरतों विह किए गए, तो सानू ना कहो दहशतगर्द। साड़ी तो अजे तक दुनिया जान नहीं छड़ रही, ना साढ़े बच्चे चंगा पढ़ सकते हैं, ना साढ़े बच्चों चंगे स्कूलों ना हस्पतालों को इलाज मुआलजे की सहूलत है, ठीक है कि नहीं। और अगर अल्लाह ताला इस हीरा मंडी 100% फैमिली ड्रामे एक पाक ड्रामे अल्लाह ताला इज्जत दे दिंदा तो पूरे मुल्क और थिएटर इंडस्ट्री के इंशाल्लाह ताला चेंज आएगी। और मैं अल्लाह के घर 100% पूर उम्मीद हाँ कि इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव चेंज जरूर आएगी। और मैं गुजारिश करांगा कैसर पिया साहब ने मैं काफ़ी टाइम ले लिया, मैं तो वैसे नहीं बोलता हूँ लेकिन मेरा जज्बा जड़ा ना इस ड्रामे नाल बहुत जुड़े हुआ है। कैसर पिया साहब तो कैसर सनाउल्ला साहब कौम से खिताब कर रहे थे तो उनका खिताब ख़त्म हुआ और बड़ी अच्छी चीज़ें की उन्होंने, बड़ी अच्छी बात है। मैंने भी वो ड्रामा देखा,
हीरा मंडी उन्होंने बड़ा डिग्रेड किया है जो खासकर मुसलमानों को, फिर ये वो बला बला जो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि एसोसिएशन वालों के जितने भी ड्रामे होते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ये मेहनत करते हैं, और इस तरह की मेहनत एक दो बंदे ही हैं जो कर रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री में, जिन्हें जैसे मैं अर्शद जोशी साहब का जिक्र बहुत ज़्यादा करता हूँ, फिर कैसे सनाउल्ला साहब जो मेहनत कर रहे थे ड्रामा बेहतर हो जाए, और अपने पल्ले से पैसे लगा के नुकसान भी होता है। तो ये जो ड्रामा है, इसका स्क्रिप्ट है, इसकी रिहर्सल जो होंगी, तो ये तो एक्टर आपको बता ही देंगे 3-4 दिन बाद जो इनके साथ होने वाला है। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं इस ड्रामे के लिए, क्योंकि जो भी ड्रामा, जैसे पिछला एक ड्रामा मैं देखे गया था वो कैसे साहब का, जिले शाह जी, वो मैग जी का था, मैग मलिक जी, वो था साथ में सारी टीम बहुत उमदा थी, बहुत ही बड़ी कास्ट और बहुत ही बढ़िया मैसेज, बहुत ही बढ़िया ड्रामा। तो ये ड्रामा मैंने भी स्क्रिप्ट कल पढ़ा है, कैसे साहब के पास आया था, तो ये ड्रामे में बहुत ज़्यादा इनका, वो कहते ना एक तो पसीना होता ना, इनका खून भी इस ड्रामे में शामिल है इनके पैसे के साथ। तो मेरी सब फैमिली से, सब दोस्तों से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये ड्रामा ज़रूर देखें। इसकी कास्ट पे महक मलक जी हैं, माशाल्लाह हमारे सुपरस्टार का सारे बैठे ही है, वो आप देख ही रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं भी ये ड्रामा ज़रूर देखूँ अपनी फैमिली के साथ, आप भी देखें, और अल्लाह पाक कैसे साहब को तौफीक दे कि इस तरह के शाहकार वो तैयार करते हैं। थैंक यू। हीरा मंडी के बारे में क्या उम्मीद रखते हैं? बहुत से सीनियर आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैंने काम आगाज़ किया, लेकिन टीवी फिल्म के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि किसी अच्छे सब्जेक्ट का हिस्सा बनूं, और मुझे इससे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि खान साहब की डायरेक्शन में एक अच्छे डायरेक्टर, एक अच्छे स्क्रिप्ट के साथ मैं इस मैदान में उतरा हूँ। और बिलखसूस ये कहना चाहूँगा कि इंडिया की हीरा मंडी फिल्म, जिसके किरदार और जिसका स्क्रिप्ट झूठ पे मबनी था, उसका जवाब हमारे पाकिस्तान के डायरेक्टर जनाब कैसर सनाउल्ला साहब ने इस हीरा मंडी के किरदारों और एक रियल स्क्रिप्ट के साथ उनको जवाब देने की ठानी। और मैं समझूंगा कि इस किस्म का ड्रामा जो है, इंडिया का हीरा मंडी जो है, उसको एक जनातेदार थप्पड़ की सूरत में हो के सामने आए, मैं उसमें पावर का हिस्सा बनूँ, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी। जैसा कि कैसर सनाउल्ला साहब का एक ट्रैक है, इन्होंने जब भी काम किया ड्रामे के लिए काम किया, जो जितने भी लेजेंड्स हैं हमारे जो ड्रामा से मुंसलिक हैं, उनका एक मिशन रहा, ये एक ड्रामा नहीं एक मिशन है। तो मेरी बेस्ट विशेस जो हैं कैसर सनाउल्ला खान साहब के लिए हैं, और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह के ट्रैक के ऊपर कायम और दायम रखे। और ये एक जवाब तो है इंडिया के ख़िलाफ़, लेकिन ये फ़नकारों के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है उसका आगाज़ है कैसर सनाउल्ला खान साहब की क़यादत में। ज़ाहद खान साहब जी, हम कोशिश करेंगे सारे फनकार कि जो कैसर साहब चाह रहे हैं हमसे, कैसे कैसे किरदार में किस किस को रखते हैं, वो अपने किरदार के साथ थोड़ा इंसाफ करें और इस खेल को सजाने में पूरी मदद करेंगे कैसर साहब की, ताकि ये खेल दूसरे जो बाकी खेल हमने किए हैं उनको बुला के लोगों को सिर्फ ये याद रहे कि पाकिस्तान में तवा देखते देखते कैसर साहब ने जो हीरा मंडी खेल पेश किया है वो लाजवाब थे। इकबाल साहब, मुंह तो बंद करो। हुमा हुमा कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। थैंक यू चंदी। हमारे पापा भी बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी हो। लव यू लव यू लव यू। जीते रहो, सलामत रहो और काम करते रहो। काम से बाहर है, काट खा रहे।